मुल्क में आटे का बहरान नहीं लेकिन मिलता भी नहीं, जहां दस्तयाब वहां महंगा मिल रहा है। मौसर इकदाम ना होने से अवाम में बदली पैदा हो रही है। हुकूमत के गोदाम भरे हैं फिर भी आटा महंगा हो रहा है। पीटीआई रहनुमा ख्वाजा शहराज कौमी असेंबली में अपनी ही सरकार पर बरस पड़े, कहा टिड्डी दल के तदारुक के लिए भी कुछ नहीं किया गया। हुकूमत ने लोकस कंट्रोल करने के लिए जब इमरजेंसी लगाई तो इसका मतलब यह था कि बहुत संजीदगी के साथ इस मामले को देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि अभी तक जो फेडरल गवर्नमेंट ने 660 मिलियन जनवरी 2020 से 30 जून तक का जो सेशन था उसमें 660 मिलियन का एलोकेशन किया लूकस कंट्रोल के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को अभी तक एक रुपया नहीं मिला। हुकूमत के गोदाम भर चुके हैं लेकिन आटा क्यों महंगा हो रहा है? जिसके 20 किलो का थैला 250 रुपए से ज्यादा इंक्रीज कर गया इन दिनों में, कौन पूछेगा इस पे? हमारे स्टॉक्स मौजूद हैं तो क्यों रेट बढ़ रहा है आटे का? क्यों ये चीजें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं?